नमस्कार, होममेड रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल सोया चाप। उसके लिए मैंने लिए है एक बंद गोभी, 3 प्याज और कुछ हरी मिर्चें। बंद गोभी को हम लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। प्याज को हम बड़ा बड़ा काटेंगे। एक प्याज के हम 4 हिस्से कर देंगे और जो बीच में जड़ का हिस्सा है उसको हम निकाल देंगे और प्याज को फिर हम एक एक वर्ग को अलग अलग कर देंगे। ये देखिए, जैसे मैं अलग अलग कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी अलग अलग कर लेनी है। प्याज को देखिए ऐसे हम बड़े बड़े हिस्से कर लेंगे और उनको एक एक करके ऐसे अलग अलग कर लेंगे और हरी मिर्च को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब मैंने 1 पाव सोया चाप लिया है। ये देखिए, इनको मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो कर रख दिया था। अब ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अब इनको हम इसमें से निकाल लेंगे। देखिए, इन सब सोया चाप को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर जो ये डंडियाँ होती हैं इनको भी हम इसमें से निकाल देंगे। देखिए ऐसे ये ईजिली से निकल जाती है गर्म होकर, और फिर इसको चक्कू से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, सारी सोयाबीन को मैंने काट लिया है। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें देखिए मैंने 1/2 कटोरी दही ली है, वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो हमने सोया चाप काट के रखी थी वो इसके अंदर डाल के और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मिक्स करके इसको हम 15 मिनट रख देंगे। अब देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है। अब उस पर हम थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे। ये तेल मैंने 2 बड़ी चम्मच डाला है। अब तेल गरम हो गया है। अब इसमें जो हमने प्याज काट के रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे और जो हमने गोभी काट के रखी थी वो भी इसमें हम डाल देंगे। हरी मिर्च भी इसके अंदर हम डाल देंगे। इन सबको हम थोड़ा हिलाएंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये तब तक थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, अपना हल्का सा रेड रेड हो जाए तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। अब देखिए, प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये हल्के हल्के सॉफ्टी हो गए हैं। अब इनको हम इस निकाल लेंगे। इनको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हमें हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो जाए और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब तक इनको हमें फ्राई करना है। अब इन सबको मैं इसमें से निकाल लूँगी। अब देखिए, हमारे मिक्सर को भी रखे हुए 15-20 मिनट हो गई है और मसालों का टेस्ट भी अब इसके अंदर अच्छे से चला गया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून मैदा डाल लेंगे और इनको भी इसमें अच्छे से हम कोट कर देंगे। अब इसमें मैदा को भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम तेल गरम कर लेंगे कढ़ाई में। देखिए, मैंने पहले तेल गरम होना रख दिया था, तेल भी हमारा अब गरम हो गया है। अब इसमें हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब एक एक करके इसके अंदर हम ये सोयाबीन डाल देंगे। अब 2-3 मिनट के लिए इनको हमें फ्राई करना है, इनको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, फिर इनको हम इसमें से निकाल लेंगे। इनको फ्राई होते हुए 2-3 मिनट हो चुकी है, अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हम एक तवा लेंगे और उसको हम गैस पे गरम कर लेंगे और जो ये सोयाबीन की चाप हमने फ्राई की है वो तवे पे हम थोड़ी थोड़ी सेक लेंगे। वैसे पलटे से हम इनको हल्का हल्का पुश करेंगे
और इनको दोनों तरफ पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ हम इनको सेक लेंगे ताकि इनमें एक कुरकुरा सा फ्लेवर आए। और ऐसे तवे पर सेकने से ये और भी टेस्टी लगती हैं। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से देखिए सिक गई है और दिखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। अब इनको हम इस पे से उतार लेंगे। इनको हम ज़्यादा नहीं कुरकरी करेंगे, इनको हम तवे से निकाल उतार लेंगे। अब सोया चाप को हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब जो हमने गोभी प्याज फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें हम डाल देंगे। अब इस हम टमाटो केचप लेंगे और 2-3 टीस्पून इसमें हम टमाटो केचप डाल देंगे। इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चे और बड़े बहुत ही इसको खुश होकर खाएंगे और इसमें बहुत से विटामिन और आयरन भी होते हैं। अगर आप सॉस इसमें नहीं डालना चाहते तो आप लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दीजिए और आप हरी चटनी के साथ इसको खाइए। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल होममेड रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।